हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कैमरा सेटिंग्स की नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कैमरे में एक प्रॉब्लम आपके सामने आती होगी। जब भी कभी हम DSLR से फोटो लेते हैं तो नीचे की तरफ एक ब्लैक पट्टी आती रहती है। ये किस कारण से आती है, अगर कोई जानकार होता है तो उसको समझ में आ जाती है, अगर वह DSLR की सेटिंग्स के बारे में नहीं जानता है तो उसको समझ में नहीं आती है। उसका कारण ये है दोस्तों कि हमारी जो एक्सटर्नल प्लेस होती है, अगर आपके पास में अच्छी रेंज की प्लेस है तो ब्लैक पट्टी नहीं आएगी। अगर आपके पास में 3000 या 4000 तक की प्लेस है तो उसकी जो स्पीड लिमिट है वो 400 होती है। जो DSLR की स्पीड है उसको अगर हम 400 से ऊपर लेके जाते हैं तो वहाँ पर वो ब्लैक पट्टी देना शुरू कर देता है। इस कारण से वो ब्लैक पट्टी वहाँ पर आती है। उसका सोल्यूशन क्या है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देखिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और क्या इसका सॉल्यूशन है। देखिए दोस्तों, मेरे पास में फिलहाल यहाँ पर निकोन का ये DSLR कैमरा है और इस पर मैंने TT520 सेकंड गोडोस की फ्लैश यहाँ पर लगाई हुई है। अब इसमें आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताऊँगा कि किस तरीके से ब्लैक पट्टी आती है और क्या सेटिंग हमें इस कैमरे में करनी पड़ेगी। चाहे आपके पास में निकोन का कोई सा भी कैमरा हो उसमें आप ये सेटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पे अभी मैंने स्पीड है वो 125 की हुई है और जब मैं इस 125 स्पीड पे यहाँ पर फोटो क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ब्लैक पट्टी अभी नहीं आई हुई है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इसकी स्पीड को 400 से ऊपर लेके जाता हूँ तो देखिए 500 पे अगर मैं यहाँ पर फोटो क्लिक करता हूँ तो किस तरीके की ब्लैक पट्टी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम यहाँ पर इस स्पीड को बढ़ाएंगे तो ये ब्लैक पट्टी और बढ़ती जाती है। ये देखिए अभी हाफ यहाँ पर चली गई है। तो इसको हम सोल्व किस तरीके से करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर मेनू बटन में जाना है और मेनू बटन में जाने के बाद में यहाँ पर ये जो नीचे की सेटिंग्स दी हुई है सेटअप मेनू में, इसके ऊपर आपको कस्टम सेटिंग मेनू मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको आ जाना है और नीचे ई वाले ऑप्शन में आपको ब्रैकेटिंग प्लस ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे प्लेक्स सिंक्रोनाइज स्पीड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 250 अभी ऑटो फ्रेम पर सेकंड यहाँ पर हो रही है तो इसको आपको कर देना है 320 करने के बाद में आप जब भी आप एक्सटर्नल प्लेस यहाँ पर लगाएंगे जो हाई स्पीड आती है उसको लगाने के बाद में अगर आप यहाँ पर फोटो लेते हैं तो आपके ब्लैक पट्टी आना बंद हो जाती है। ये ब्लैक पट्टी यहाँ पर इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल फ्लैश है वो लोकल लगाई हुई है, इसकी जो स्पीड है वो 400 से ऊपर नहीं है, इसलिए ब्लैक पट्टी यहाँ पर दिखा रहा है। अगर दोस्तों आपके भी DSLR में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की ब्लैक पट्टी आ रही है तो आपको इस कैमरे में जो सेटिंग्स दी हुई है उसको आपको सेट करना होगा और उसके बाद में जो हाई स्पीड सिंक्रोनाइज फ्लैश आती है TTL उस फ्लैश को आपको यूज करना होगा, तब जाके आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो अदरवाइज आपके ब्लैक पट्टी आती रहेगी। क्योंकि इसकी जो स्पीड लिमिट है वो 400 तक है, 400 से अगर ऊपर हम लेके जाते हैं तो डेफिनेटली वो ब्लैक पट्टी आपको आएगी छोटी या बड़ी साइज की। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यूजफुल भी लगा होगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटे आइकन को जरूर दबाएं। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक